अरुण जी, आई थिंक सब कुछ कवर हो ही गया। मेरी एकदम हालत जैसे मुशायरे में लास्ट शायर होता है तो या तो ऑडियंस सो जाता है या ऑडियंस उठ के चला जाता है। फॉर्चुनेटली सब बहुत ही ऑडियंस बहुत अच्छा है, सभी लोग बैठे हुए हैं, बहुत ध्यान से बात सुन रहे हैं। आई डू एग्री सारे पैनलिस्ट से। एक बेसिक प्रॉब्लम जो हमको देखने के लिए मिला, फिल्म सी नो डाउट, लेकिन बहुत टिपिकल न्यूज स्टोरी फॉर्मेट में ज्यादातर फिल्में देखने के लिए मिली। बावजूद उसके देर वॉज सम ब्रिलियंट फिल्म्स, वो सारे जॉन्स में आपको देखने के लिए मिली, वो फिक्शन में भी नॉन फिक्शन में भी। एनिमेशन फिल्म बड़ी खूबसूरत थी, कुछ बहुत आपको मतलब 2-3 मिनट में मैसेज कन्वे कर रही है और आपको अंदर से हिला दे रही है। साइंस फिल्म्स जो चीज आप नहीं जानते हो, जैसे वंदना जी ने अभी कहा कि हमको बहुत सारी चीजों की नॉलेज के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं था, वो कॉन्सेप्ट के बारे में, लेकिन जो वो जिस तरीके से नैरेटिव एस्थेटिक्स क्रिएट किया गया स्क्रीन के लिए, दोज वर रियली ब्रिलियंट नैरेटिव्स। सो फ्यूचर ब्राइट है, मैं बिल्कुल भी मायूस नहीं हूं। आप सब आई थिंक फ्यू द बिग ब्रिलियंट साइंस फिल्म मेकिंग माइंड यहाँ जमा है, और कमी आपकी तरफ से नहीं है। वो जो न्यूज स्टोरी क्रिएट हो रही है, कमी शायद कहीं और एग्जिस्ट करती है। ये हम साइंस फिल्म फेस्टिवल का जो एक प्लेटफॉर्म है, इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ने क्रिएट किया, लेकिन काफी लेट प्लेटफॉर्म आया आपके सामने। क्यों होते हैं ये साइंस फिल्म फेस्टिवल, इस टाइप के प्लेटफॉर्म क्यों क्रिएट किए जाते हैं? एक हम ऑल्टरनेट एस्थेटिक, ऑल्टरनेट सिनेमा, ऑल्टरनेट नैरेटिव देखें जो हम यूजुअली देखते आ रहे हैं, उसके अलावा हमको कुछ चीज देखने के लिए मिले जिससे हम इंस्पायर हों, बेहतर चीज बना पाए। तो वो बड़ा लेट आया एक्चुअली, लेकिन वो प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करता है। और इस प्लेटफॉर्म की खूबसूरती क्या है, निमिष जी से बात हो रही थी कल परसों, वो बता रहे थे कि जो टोटल एंट्रीज आई थी वो 700 के ऊपर एंट्री है, विच इज यू नो अमेजिंग। मैं मिनिस्ट्री ऑफ आईएमबी में काम कर रहा था, गोवा फिल्म फेस्टिवल मेरा एक इवेंट था, आई वाज वर्किंग एज डेप्यूटी डायरेक्टर देयर। सोचिए वो फेस्टिवल 50s में क्रिएट हुआ, 1950s में, और तकरीबन 60-70 साल उस फेस्टिवल को हो चुके हैं अभी, और एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म फेस्टिवल है वो इफ यू गोवा। उसमें 700 फिल्में आती हैं आज की डेट में, 700-800 के आसपास। तो अगर 10 साल में आपने जो मैजिक क्रिएट किया है विज्ञान प्रसार ने, निमेश जी ने, नकुल जी ने, वो आई थिंक इज अप्लॉजिबल। आई थिंक वी शुड गिव ए राउंड ऑफ अप्लॉज टू विज्ञान प्रसार टीम, निमेश जी स्पेशली, द काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फेस्टिवल इज क्रिएटिव, विच इज रियली अमेजिंग। इसमें फर्दर अब फिल्म तो हमने देख ली, फिल्म प्लेटफॉर्म क्रिएट हो गया, माइंड को भी एक कुछ ऑल्टरनेट कॉन्टेंट देखने का मौका मिला। क्या हम इसको आगे डिफरेंट लेवल पे लेके जा सकते हैं फेस्टिवल को? आई थिंक एक बहुत बड़ा स्कोप अभी बाकी है फेस्टिवल में। कैन वी क्रिएट ए सॉर्ट ऑफ यू नो ग्लोबल साइंस फिल्म मेकिंग मार्केट इन दी फेस्टिवल? सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है फिल्म मेकर के साथ में, वो फंडिंग का, कि बिना पैसे के फिल्म नहीं बनती। इसमें पैसे का बहुत बड़ा रोल है फिल्म मेकिंग में, क्योंकि कॉस्टली मीडियम है ये। क्या हम साइंस फिल्म मेकर्स को एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं फेस्टिवल में, जहां पे फिल्म मेकर्स अपना कॉन्सेप्ट पिच करें प्रोड्यूसर्स के साथ में, या जो बायर्स हैं उनके साथ में ग्लोबल लेवल पे? मे बी वी कैन बिगिन एट एट नेशनल लेवल फर्स्ट। इतनी बड़ी बड़ी इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन है, IITs और क्या क्या इंस्टीट्यूट नहीं है, 100-200 के आसपास वर्ल्ड लेवल के इंस्टीट्यूट इंडियन गवर्नमेंट के पास में है इस वक्त, हैवी फंडिंग उनके पास में मौजूद है। क्या वो इंस्टीट्यूट को हम ये फिल्म मार्केट में, एक साइंस फिल्म मेकिंग मार्केट में लेके आ सकते हैं? क्या हर एक इंस्टीट्यूट हर साल एक फिल्म प्रोड्यूस कर सकता है? आई एम श्योर इतना पैसा होगा उनके पास में। अगर राइट कॉन्सेप्ट, राइट पिचिंग की जाए फिल्म मेकर की तरफ से, आई थिंक इस कॉन्सेप्ट को लिया जा सकता है फिल्म फेस्टिवल के दौरान में। एक को प्रोडक्शन भी एक वर्जिन टेरिटरी है। ये साइंस फिल्म मेकिंग का जो मार्केट है, ये तो पूरे दुनिया में वर्जिन टेरिटरी है, कभी किसी ने एक्सप्लोर किया नहीं इसको। अगर हम एक्सप्लोर करेंगे, आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू एड यू नो नो ब्रिलियंट डायमेंशन टू दिस फेस्टिवल। एक को प्रोडक्शन हम लोगों ने बहुत कम एक्सप्लोर किया है, वो सिनेमा लेवल पे ही इंडिया में बहुत कम एक्सप्लोर हुआ है। आज की डेट में हमारी 14 मुल्कों के साथ में को प्रोडक्शन ट्रीटी है, विच इज वेरी वेरी लो एक्चुअली। वी डू सॉफ्ट डिप्लोमेसी थ्रू सिनेमा, लेकिन यहाँ पे हम हार्ड कोर साइंस फिल्म मेकिंग की बात कर रहे हैं। क्या साइंस फिल्म मेकिंग में हम को प्रोडक्शन कर सकते हैं दूसरे मुल्कों के साथ में? बहुत ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो बेहतरीन फिल्में बनाते हैं साइंस के अंदर। हमने भी कुछ फॉरन मुल्कों की 2-3 फिल्में देखी, उनका टेस्ट, उनका दीदी लेवल ऑफ ट्रीटमेंट वॉज टोटली डिफरेंट। वी हैव टू लर्न फ्रॉम दैम। कैन वी सॉर्ट ऑफ क्रिएट ए सॉर्ट ऑफ को प्रोडक्शन पैटर्न फॉर इंडियन फिल्म मेकर्स, इंडियन साइंस फिल्म मेकर्स, जहां पे बाहर के लोगों को, बाहर के जो साइंस फिल्म मेकिंग में काम कर रहे हैं अच्छा,
वो प्रोड्यूसर्स को, वो है साइंस फिल्म मेकिंग में सबसे बड़ा जो इंटरेस्टिंग चीज है कि ये प्लेटफॉर्म क्रिएट हो गया 8-10 साल से और वो सस्टेन किया हुआ है, वो नेशनल से इंटरनेशनल डोमेन के अंदर चला गया, इंटरनेशनल सिनेमा आना शुरू हो गया यहाँ पे। ये एक बड़ी अच्छी शुरुआत है एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। जो भी फिल्म मेकर्स ने अपनी फिल्म यहाँ पे एंट्री भेजी, जो फिल्में हमने देखी तकरीबन 55 फिल्में, वो अच्छी कई लेवल पे फिल्में आपको कम्युनिकेट करती हैं। नो डाउट एक एक जो फिल्म का स्ट्रक्चर होता है वो कहीं ना कहीं पे खामी थी उसके अंदर, बट दैट कैन ऑलवेज बी इम्प्रूव। वी हैव टू एजुकेट अवर सेल्फ ऑन डेली बेसिस एक्चुअली, सो लेट अस कीप वॉचिंग यू नो डिफरेंट नैरेटिव्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हैव द वेरी ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच। तो मेरे बहुत नजदीक है।